तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा गाइज, जो कि आप 2 घंटे आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ट्रेनिंग कर लोगे, तो गाइज आप बिल्कुल हेडशॉट मारोगे गाइज, बिल्कुल 100% वर्क करेगी ये ट्रिक जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का ये ट्रिक होने वाला गाइज, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है और जो भी मैं यहाँ पर स्टेप बताऊँगा उसको आपको फॉलो कर लेना है गाइज, ओके। और बहुत ही कमाल के आप हेडशॉट लगाओगे गाइज, जैसे आप पीसी प्लेयर लगाते हो वैसे आप उसका मुकाबला कर सकते हो गाइज। तो गाइज ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और एक लाइक करके एक शेयर जरूर करना है गाइज, और एक कमेंट भी कर देना गाइज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ गाइज। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हेडशॉट मारने का ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे हेडशॉट लगता है गाइज, ओके। तो गाइज सबसे बड़ी चीज़ ये होती है गाइज, आपको ड्रैग करना होता था, ड्रैग आपको पता ही होगा ड्रैग कैसे होता है। तो गाइज यहाँ पे ड्रैग कितना करे गाइज, ये सबसे बड़ा मतलब मान्य रखता है कि ड्रैग कितना करे कि आखिर हेडशॉट लगता है गाइज, ओके। तो कभी क्या होता है हम कम ड्रैग करते हैं, कभी ज़्यादा ड्रैग करते हैं तो हमारा हेडशॉट नहीं लगता है। तो परफेक्ट ड्रैग क्या है मैं आपको इस वीडियो में वो भी आपको बताऊँगा। तो गाइज जैसे मैं यहाँ पर मार रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के मार रहा हूँ गाइज, और बिल्कुल उसके एनिमी के हेड पर जा रहा है। तो गाइज मैं ड्रैग कहाँ से कर रहा हूँ, कैसे करूँ, आपको बटन के ऊपर ध्यान से देखना है गाइज, ओके। तो गाइज आपको बटन को क्या करना है, धीरे से नीचे से आपको राइट से करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना, जैसे मेरा बटन जा रहा है आप ध्यान से देख रहे हो, और आपको इसको पूरा ऊपर लेकर जो गन है आपको वहाँ तक लेकर जाना है गाइज। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा गाइज कैसे लेकर जाना है। तो गाइज मैं आपको हैंड गेम तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, आपको जो फायर बटन है उसको खींच के जहाँ पे आपका गन का जो है वहाँ पे लेकर जाना है, गन जहाँ पे आपका हाथ होता है वहाँ पे लेकर जाना है ऊपर में गाइज, ओके। और गाइज आपको बहुत ही ज़ोर से ड्रैग नहीं करना है, मतलब बहुत ही फास्ट ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, थोड़ा मीडियम करना ही, स्लो नहीं, बहुत ही फास्ट आपको थोड़ा मीडियम करना है। अगर आप ज़्यादा फास्ट करोगे तो आपका जो है मिस हो जाएगा निशाना, और ज़्यादा स्लो करोगे तो आपका जो निशाना जाएगा बॉडी के ऊपर, ओके। तो आपको मीडियम रखना है, जैसे ऊपर में हल्का की तरफ जैसे ड्रैग करते हैं वैसे ही कर लेना गाइज, जैसे मेरा आपने बटन फायर बटन में देखा होगा वैसे ही आपको सेम इसी टाइम में करना होगा, आपको हेडशॉट बिल्कुल ही लगेगा, 100% लगेगा, ओके। तो गाइज अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको गन स्विच के बारे में गाइज, गन स्विच के बारे में भी जान लो, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो गाइज आपको सेटिंग में जाकर आपको गन स्विच वाला जो वेपन वाला होता है उसको ऑन कर लेना है, तो आपको साइड में यहाँ पर छोटी सी बंदूक वाली ऑप्शन मिल जाएगी गाइज, और आप उसे यूज कर करके आप गन को स्विच कर सकते हो। एक फायर करने के बाद आपको वो वाले बटन दबा देना है और ऑटोमेटिक से आपका गन जो है दूसरा हाथ में स्विच हो जाएगा गाइज। इससे क्या होता है कि आप एनिमो को मार रहे हो तो गाइज आपका मोमेंट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। आप जंप करके एक गन का स्विच करके दूसरा गन हाथ में लोगे तो आपको डबल जंप के बराबर आपका जो मोमेंट हो वो हो जाएगा, ओके। तो काफ़ी कमाल का ट्रिक है गाइज, आप उसे ऑफ करके भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर गन लिया हो और आपको वन टैप मारना है, एक गोली मारना है और दूसरा गन हाथ में लेना है गाइज। इसको पहले स्लो में कर लेते हैं, देखो गाइज मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे वन टैप यहाँ पर मारा और यहाँ पे फिर से दूसरा गन को स्विच कर रहा हूँ गाइज, जैसे आप सिंपल नॉर्मल में करते हो वैसे ही करना है। और इस ट्रिक को आपको करने के लिए आपको इसको ट्रेनिंग करना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको फास्ट करना है, ऐसे फास्ट करते करते आप ये जब सीख जाओगे गाइज तो आपका क्या है, आपका मोमेंट बढ़ जाएगा और गन स्विच जो है आपका वो बढ़िया हो जाएगा, ओके। तो ये जो भी आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल 100% वर्क कर रही है और काफ़ी कमाल का ट्रिक है गाइज, और मैं जो आपको हेडशॉट के बारे में यहाँ पे बताया वो भी आप सीख जाओगे गाइज, ओके। जैसे जैसे मैंने यहाँ बताया आप उसे फॉलो करोगे उस स्टेप को तो आप सीख जाओगे, और भी बहुत सारी मैं आपको ट्रिक यहाँ पर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी हेडशॉट मारने के तरीके के बारे में, तो जाकर वो भी सारी ट्रिक देख लो, क्योंकि बहुत सारी गन है जिसके बारे में मैंने हेडशॉट मारने का ट्रिक बताया और सेटिंग और सेंसिटिविटी भी बताया गाइज, ओके। और मैं अभी यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपका जो शॉर्ट गन चलाते हो आपके सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए। तो गाइज आपका जो भी है 100 रखो, सब कुछ 100 रखो, क्योंकि शॉर्ट गन के लिए आपको थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल 100 रखना है, और जो आपका एम है गाइज वो बिल्कुल एनिमी के सर के आसपास होना चाहिए, तभी आपका हेड लगेगा गाइज। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे फिर एक नया कोई ट्रिक गाइज, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो वीडियो के, और एक अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। बाय बाय।